इतने बच्चे थे, इतने इतने बच्चे लेके आए। नाम भी रखे हुए इनके, इसका राजू, राजू हाँ जी, और फीमेल का राजू। राजू किसी नस्ल है ये व्हाइट लाइन, व्हाइट लाइन है हाँ जी। अभी कितनी उम्र होगी इसकी? उनकी हो गई है तकरीबन 2.25 साल के आसपास। तीन दिन के माशाल्लाह। वो तो वहाँ वाइल्ड लाइन के दरमियान में गए, हम टीवी पे देखते हैं, मगर याद ये अहमद भाई शिकरी की वजह से ये देख लें, ये हिरन वो छोटा बच्चा दिखा दें। ये अपने शेर हैं, शाह जी भी बड़ा शौक करते हैं शेरों का, और शाह जी खुद भी एक शेर है माशाल्लाह। बस वो शाह जी को टाइफाइड हो गया। तो शाह जी माशाल्लाह जी आप एंजॉय करेंगे वहाँ पे, अभी कॉमन लाइन के बच्चे तो नहीं, वाइल्ड लाइन के बच्चे हैं वहाँ पे, और आप बड़ा एंजॉय करेंगे, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह शाह जी, और जबरदस्त आप वहाँ पे जो है एंटरटेनमेंट होगी आपकी। गुड हो गया, ये अपना ट्रेन किए हुए पूरे? हाँ जी शाह जी, ये बच्चे पाले थे वाइल्ड लाइन के, अभी तो माशाल्लाह बड़े हो गए, अभी तो 1.5 साल के हो गए। अच्छा, अभी तो समझ लें कि अभी भी टेम ही है, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं तो वो खेलते हैं। वाह। लेकिन एक शेर का खेलना इंसान के साथ, तो आप देख लें कि उसके नेल्स बड़े बड़े होते हैं, फिर वो लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना जख्म वगैरह हो जाती है। इस वजह से हम उसके पास तो कम ही जाते हैं, लेकिन जाते रहते हैं, अंदर प्यार भी करते रहते हैं उनको। तो कॉमन लाइन के बच्चे भी पड़े हुए थे, लेकिन वो अभी दूसरे फार्म पे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपकी जो है ना उनके साथ बनेगी, लेकिन अभी वाइल्ड लाइन को के पास जाते हैं। गुड हो गया। आपको वाइल्ड लाइन दिखाते हैं वहाँ पे। गुड हो गया। और उसके बाद डियर वगैरह रखी हुई हैं, डियर आपको दिखाते हैं, स्पॉटेड डियर, और बर्ड शर्ट भी रखे हुए हैं वहाँ ब्रीड के लिए। तो छोटा सा एक फार्म बस बनाया है, मजा आएगा आपको देखने इंशाल्लाह जी। चलो व्यूअर्स चल के आपको आगे लैंड शेर दिखाते हैं। ये ब्राउन है, ये सबसे महंगे जो शेर है ना, शेरों में सबसे महंगी नस्ल है ये व्हाइट लाइन। ये व्हाइट लाइन इस वक्त ये मेरे ख्याल से 87 लाख रुपए का पेयर है, इस वक्त 87 लाख रुपए का है। जिस दिन इसने ब्रीड कर दी, ये करोड़ रुपए से ऊपर का पेयर, 1.5 करोड़ का। चले अंदर। समय जा रहा है। कौन सी नस्ल है ये? ये व्हाइट लाइन। व्हाइट लाइन है हाँ जी। अभी कितनी उम्र होगी इसकी? उनकी हो गई है तकरीबन 2.25 साल के आसपास। माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल ट्रेन किया हुआ इनको हाँ जी। ब्रदर कोई नाम भी रखे हुए इनके? इसका राजू, राजू हाँ जी, और फीमेल का राजू। ये देखे जी, हमने भी हिम्मत करके अंदर आ गए हैं, और माशाल्लाह कितने खूबसूरत है, और भाजन बड़े इनको प्यार से, और बड़ी इनकी जो खिदमत की जाती है, ऐसे नहीं पाले जाते इनकी, इनको बड़ी इनकी देखभाल करनी पड़ती है। भाजन ऐसी ही इनकी देखभाल बच्चों की तरह करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह। कभी कोई ऐसा नुकसान तो नहीं है किसी को? नहीं, कभी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम इसको प्यार कर लें जी जी। बहुत ज्यादा ट्रैक सूट इसने मेरे जाया किए। ओहो, इनके नाखून लंबे होने की वजह से? नाखून इनके सुइयां बन गए थे। ये पे फुल ये खेलते हैं, लेकिन उन इंसान ना लो शेर ना खेलना फिर तार पता क्या होगा। शेर बड़े हो गए हैं ना। हां जी, नाखून ना मुझे लगता है बड़े हो गए हैं। राजू बहुत खूबसूरत है, और ये इतने इतने बच्चे थे, इतने इतने बच्चे लेके आए। राज माशाल्लाह, ये देखिए, ये फिर लग गया कुछ। बड़े कपड़े पाड़े ने इस तरह नाखून फंस जाते हैं, और बड़ा इनके अटैचमेंट है। बहुत तेज नौकरी।
और बड़े बड़े ये आम बंदे नहीं जाते अंदर, ये भी एक दिलेरी का काम है अंदर जाके इसके साथ ऐसे करना, ये एक दिलेरी का काम। कौन जा सकता? अब वो देखे ना वो भाई कह रहे आज मैं आ रहा हूँ जाता हूँ, ये देख रहे जख्म वगैरह। ये क्या है जी? नहीं जी अहमद भाई, ये आपने डियर भी रखी हुई है तो काफी ज्यादा ही, और ये मेरे ख्याल से सारी फीमेल है। ये इसमें एक दो ही होंगे, ये जिनके सिंग है वो मेल है। ये हिरने हैं, हिरन है सारी मेल है इनके मेरे ख्याल से, माशाल्लाह बच्चे वगैरह भी। देखिए जी सारी हिरने हैं, वो अंदर भी बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, बाहर भी बैठे हुए हिरने हैं। इनकी लेते ही वीडियो आपको दिखाते जनाब। क्या आपने हमेशा जो है वो जंगले से बाहर देखा, आज हम जंगले के अंदर भी आ गए। देखो तो फिर आप हिरन के बीच में घूम रहे हैं, आप कभी आपने ऐसे सोचा था है तो फिर भाई? जी 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 हिरन के बीच में घूम रहे हैं, आपने कभी सोचा ऐसा? ये तो बड़े मजे की बात हो गई है। ये हिरन ही हिरन है, ये बड़े मजे का एक सीन हमें मिला है वहाँ वाइल्ड लाइन के दरमियान में गए, हम टीवी पे देखते हैं मगर याद ये अहमद भाई शिकरी की वजह से ये देख रहे हैं। ये हिरन वो छोटा बच्चा दिखा दें, वो छोटा बच्चा मैं उसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं टक्कर मारेंगे, नहीं मारते उसके बच्चे है। देखा आपने हिरन हिरन नजर फैले हुए है लेकिन उसके बच्चे को हाथ लगाने की मैं मना कर रहा हूँ तोकीर भाई को, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ऐसे ना कि बच्चे को कवर करने में टकरे लग जाए इनको। भाई ये कौन सी नस्ल है? ये भाई होक डियर है, होक डियर से आम जुबान में पाड़ा कहते हैं, गुट हो गया। तो माशाल्लाह कितनी तादाद में है? ये है 13 पीस। 13 पीस तो टकरे टुकड़े तो नहीं मारते? ये बच्चा भी एक हम देख रहे हैं, ये कितने दिन का होगा? ये 3 दिन का। 3 दिन के माशाल्लाह, वो तो की ने खूब खूब मेहनत की है। वाओ, हाँ जी इधर हो ओ पाजी। 3 दिन का बच्चा बड़ी मुश्किल से काबू किया, भाग रहा था हाथ में नहीं आ रहा था, तोकीर भाई ने हमारे इसको पकड़ा है, हम इसकी भी वीडियो बना रहे हैं। और ये देखिए हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतने छोटे बच्चे को हिरन के हम अपने हाथों से पकड़ेंगे, और ये देख ले लाइव। तोकीर भाई क्या क्या किया? ये हिरन का बच्चा पकड़ा हुआ है। वाह, गैप करने लगे? हाँ लेके जा रहा हूँ बालाकोट के लिए। हाँ जी, वाह जी वाह। ये जो पोनी घोड़े जो आप अक्सर आप देखते हैं, आप पार्कों में देखते हैं, ये घोड़े पोनी है। ਇਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਿੱਧਾ BRB ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰ ਗਈ। ਓਹ ਇਹ ਗੈਪ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੈਪ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸੇ ਇੱਕ ਪਕੜੀ ਹਮਨੇ ਐਸਾ ਕਸਮ ਸੇ ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਦੇਖ देखा व्यूअर्स हैं वो उधर इधर कश्मीर वगैरह। इसके साथ हमें आप इजाजत दे, कोशिश की एक नई चीज़ दिखाने की, खूबसूरत चीज़ दिखाने की, लैंड शेयर भी दिखाया आपको, हिरन भी लाइफ हमने दिखाए है, कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाए। अब क्योंकि हमें अभी जाना है बॉर्डर पर, इसलिए हम तफसीलन वीडियो नहीं बना रहे, टाइम कम है हमारे पास। इंशाल्लाह फिर हम दोबारा आएंगे तो कम्प्लीट वीडियो बनाएंगे माइक सिस्टम हर एक के साथ।